खबर मध्य प्रदेश से है, जहां प्राइवेट स्कूलन के मोह भंग हो रहा है। अभिभावक अब सरकारी स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं। जौने प्राइवेट स्कूलन के बहिरे पहले लाइन लागर रही एडमिशन खातिर अब वो सूने पड़े हैं। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की। जौने में अपना पंचन बता दी कि मध्य प्रदेश के लगभग 10 लाख लोगों के द्वारा प्राइवेट स्कूलन से नाता तोड़ दिन गया है। उनके द्वारा अपने बच्चन के एडमिशन सरकारी स्कूल में करावा गया है। आंकड़ा यह बोला थे कि सत्र 2020-21 में प्राइवेट हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलन में 42,14,705 नामांकन भरे हैं, जबकि वर्ष सत्र जो है 2021-20 में 30,16,828 नामांकन भरे हैं। अपना मुझे बताया दी कि भोपाल शहर के प्रतिष्ठित और काफी महंगे स्कूल में अपने बिटिया का कक्षा 10 में पढ़ावे वाले शैलेन चौधरी के द्वारा कक्षा 11 में अपने बिटिया के एडमिशन सरकारी स्कूल में करावा गया है। उनका कहा है कि मुंहमांगी फीस दे के बाद प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल पेरेंट्स का साल भर धमकी दे रहा थे, बात बात पर ब्लैकमेल कर रहे थे। एक एक खातिर सरकारी स्कूल के साथ साथ शहर के टॉप क्लास कोचिंग में एडमिशन कराए दिन गया है। कोचिंग वाले विनम्रता से बात कर रहे थे, आपन गलती माना थे और उनके बच्चन में 200 नहीं निकालता है। अपना बच्चे बताया दी कि 15,000 मासिक के प्राइवेट जॉब करे वाले जो है आनंद कुमार सेन के कहा है कि कोरोना वायरस के कारण बाजार में मंदी चल रहा ही नौकरी बचाए रखम मुश्किल हो गया है। इंक्रीमेंट के तक सपनों नहीं सोच सकी। एक है प्राइवेट स्कूल के फीस बढ़ जा लाही। पेट्रोल डीजल की कीमत के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई ही। घर चलाओ मुश्किल हो गया है। अब प्राइवेट स्कूल के फीस नहीं दे सके, ऐसे सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दी नहीं, ट्यूशन पढ़ाई ही और अच्छे जो है बच्चन का अच्छे से पढ़ी ही और उनका टॉपो करे ही। तो निश्चित तौर पर समझे वाली बात यह है कि प्राइवेट स्कूल सीधे तौर पर यह कोरोना काल में उन्हों के मजबूरी है, उन्हों का समझे चाहिए और अभिभावकन के मजबूरी समझे चाहिए। काहे कि कोरोना न स्कूल वाले भर का संचल कई वर्ग का छोड़े आए न कोनो अभिभावक के छोड़े आए। पूरी तरह से पूरे देश में पूरे विश्व में यह महामारी हाहाकार मचाई। यह दौर में कहां न कहां जब पेरेंट्स अभिभावकन के लगे पैसा के अभाव रहा और उनका जब बे फीस के दबाव बना बाजार रहा तो निश्चित तौर पर पेरेंट्स जेके लगे पैसा के व्यवस्था नहीं रही वह दुखी रहा, परेशान रहा। महंगे महंगे स्कूल जिनका बड़े बड़े भवन बने हैं, व्यवस्था सुविधा के नाम पर लंबी चौड़ी रकम ले थे, तो वो स्कूलन में अब कोरोना के चलते मोह भंग हो रहा है और ओकर सीधा असर अब यह पड़ी रहा है कि प्राइवेट स्कूलन के बजाय सरकारी स्कूलन में संख्या वृद्धि हो रही है और लड़का जो है सरकारी स्कूलन में नाव लिखाए रही और कोचिंग क्लासन में पढ़ी रहे हैं और बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। और ये अभिभावकन के कहा है कि कोचिंग स्कूलन में पढ़ाए से मतलब कोचिंग क्लासन में पढ़ाए से उनका कम फीस में ज्यादा उनका जो है कहा जाए कि बच्चा पढ़ ही रहा है और समझ ही रहा है, तेज हो रहा है। तो काहे हम लाखन रुपया के फीस जो है नाम पर पढ़ाई के नाम पर बर्बाद करी। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।